अरे भाई साहब, दादा हे बघा, मी इकडे मुंबई हून आलो. ओळी बाबा, मुंबई से आया है तुम? मराठी भाषा हमको खूब भालो लगे, मतलब अति सुंदर लगे. उधर का मिशल पाव करेक्ट करेक्ट, लेकिन मुझे भालो खूब स्वादिष्ट लगे. तो तुम कुछ कह रहा था. मुझे कैसे समझाऊं? मुझे बंगला. समझ गया, बंगला. बंगला का बात करता है. मुझे घर घर चाहिए. ओ, घर चाहिए. ओड़ी बाबा, घर तो मिलेगा. हाँ जी. पर धर्मतल्ला में ढेर करोड़. अरे बाप रे, लगता है यहाँ तो अपना काम नहीं बनने वाला. ऊपर से ऐसे लोग मिल रहे हैं, लगता है ये तो मुझे ही बेच देगा. नमस्ते जी. अब तो इशारों की भाषा ही काम आ सकती है. की होलो, की बोलचे, की खूब ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন. सुनिए, मेरे टैलेंट का दिया उसने रेम्यूनरेशन. रख लो. इनकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा इन्हें समझ में नहीं आती. What to do? अब तो कोई हिंदी समझने वाला मिले तभी बात बनेगी, पर इतने बड़े शहर में हिंदी समझने वाला ढूंढू कहाँ? आजा आजा, सब आजाओ, बहुत सारे. बॉस, क्या हुआ बॉस? भीख छोड़ के भाग क्यों रहे हैं आप? अरे भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, पर इनसे भाड़ा मांगने से डर लग रहा है. ये क्या बॉस, बिल्डिंग आपकी खुद की है, किराया मांगने में डरते क्यों हैं आप? अरे कलकत्ता वालों के बारे में तू नहीं जानता, नया है ना. भाड़ा मांगूंगा तो बैंड बजा देंगे मेरा. एक तरकीब है. वो क्या है? किराया मांगते हैं तो वो लोग बैंड बजा देते हैं ना. हाँ, वही तो मांगना छोड़ दीजिए. अबे तेरी तो. चल भाड़ा मांगते हैं. कश्मीरी बॉम्ब रेडी है ना? रेडी. माजी, माजी, अम्मा जी, कुछ पैसे दे दीजिए माजी. चलो चलो आगे जाओ. यार ये औरत हमें आगे जाने के लिए कह रही है, हमें भिखारी समझ रही है यार. ये के तो मांग रहे हैं. माजी, हम भिखारी नहीं है, इस घर का मालिक है. ओह अच्छी बात है, ठहरो आती हूँ. रुकने के लिए कह रही है, लगता है भाड़ा मिल जाएगा. कुछ और भी हो सकता है. क्या हो सकता है? बैंड बजने के पूरे चांसेस है. कत्ल कर दूंगा तेरा. आगे आगे. जीती रहिए रहो माजी, जीती रहिए माजी, जीती रहिए, जीती रहिए माजी. माजी बाबूजी, रेंट दीजिए बाबूजी. कीचा है? रेंट रेंट दीजिए बाबूजी. रेंट और रेंट फेंट पावे ना जाओ, झूठ बोले खाने गंडगोल कर ले, पाँव टा भेंगे हाथे दिए दीबो. रेंट चाहिए फुट. अरे भाड़ा बाबूजी, भाड़ा मांगता है. चल फुट, रेंट फेंट किचू नहीं. देखा तूने, ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है. कश्मीरी बॉम्ब निकाल, निकाल कश्मीर का बॉम्ब. अभी बता दे इसे, निकाल. क्यों बे, बहुत उछल रहा है तू. पैसे मांगने पर तू हमारे हाथ पैर दांत सब तोड़ देगा. अभी के अभी पैसे निकाल, जल्दी निकाल खीसे से, जल्दी. देर क्या करता है, जल्दी कर. हट बेवकूफ, देखा कश्मीरी बम का कमाल, मार डालूंगा. खचक 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 काट डालूंगा. ए अब चले यहां से, दूसरा घर देखते हैं. माजी, माजी, अम्मा जी, माजी, हमको रेंट चाहिए माजी, हमको रेंट चाहिए माजी. दादा मैं साफ कर रही हूँ, बाद में आइएगा. ये काम हम करते हैं माजी, आप अंदर से जाकर ले आइए, जाइए. आजा बेटा आजा, तेरी मम्मी गई पैसा लेने, हमको मिलेंगे पैसे. अरे ठीक से डालना, हरे हरे नोट आएंगे. रुक गया, डालना. डाल रहा हूँ. टिंग डिंग 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 डिंग. ये लीजिए. वो सो रहे हैं, भाड़ा शाम को लीजिए. ये रख लीजिए. इसने ये 10 रुपए किस लिए दिए? 10 रुपए धोने के लिए दिए होंगे. अबे सुलभ शौचालय हूँ क्या? इना चोल बे, 6 महीना बीत गए, अभी तक भोड़ा नहीं दिया. नो 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 नो, खाली कर दो, खाली कर दो. हाँ खाली कर दो. हाँ खाली कर दो. सुनिए सर, सर आप ही से कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट बॉस.
कोलकाता में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला पहली बार मिला है। सुनो भाई। नमस्ते जी, मेरा नाम रामकृष्णा है। यहाँ कोई रूम किराए पर मिलेगा क्या? मुझे तो ये आदमी मुंबई का ही लगता है। इसका चेहरा तुमने ध्यान से देखा, कितना रफ टफ दिख रहा है। हमें मुंबई का जान के ये भी फोकट में रहेगा। अभी मैं प्योर बंगाली जैसा एक्ट करता हूँ, तुम मेरा साथ देना। क्या हुआ सर, आप ही से पूछ रहा हूँ। की चाय तुम्ही की जिनिस कोर्चो है, अमी बूझ चे पावे ना। सर मुझे बंगाली नहीं आती, हिंदी में बात कीजिए ना। हिंदी? अरे इस शहर में हिंदी कौन बोलता है? हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। केनो हिंदी आमी बोल पावे? सर मुंबई के होकर भी ऐसे बंगाली बोलकर मुझे क्यों सता रहे हैं? हम बनारसी बाबू हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, सफेद दाढ़ी मन के राइटर। सुनो मोरे बंदूरे। अच्छा, लेंथ बढ़ा रहा है, कट करता हूँ। बोल रहा है कट करेगा, क्या कट करेगा ये? क्या मालूम। अरे बेवकूफ, तुझी से कह रहा हूँ मूर्ख, अपशगुन व्यक्ति, सर्वमांस भक्षी, जैसे उल्लू पक्षी, ये बन जाएगा तेरी मौत का साक्षी। ओह क्या पंच है, क्या काव्य मालिका है, क्या रसवंती कविता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हम रेंट लेने को जाता है माजी। इतनी गालियां सुनकर भी इस पर असर नहीं हुआ? मोटी चमड़ी वाला लगता है। इनकी लेंथ को किसी और तरीके से कट करता हूँ। अम्मा जी मास। अरे बाप रे, कमर टूट गई मेरी रे, रेंट लेने नहीं आऊंगा अभी। अरे ये केला खाकर किसने फेंका था, लगता है नहीं चल पाऊंगा कभी। क्या हुआ मास्टर? आई हाय 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 हाय, कमर टूट गई। क्यों मास्टर, कमर टूटने पर ही हिंदी बाहर आती है क्या? हिंदी हिंदी कथाएं बोलछे, आमी हिंदी ती कुछ बोलते पारी? कमर तोड़ दूंगा। वो तो पहले से ही टूट गई है। हम भारतवासी हैं, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए मास्टर जी। मैंने सही कहा ना? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा हमारे भारत की शान है। शाबाश, अब तक ये नाटक क्यों कर रहे थे? अरे हम तुम्हें क्या बताएं, मेरे बाप ब्रिटिश जमाने में उनकी गुलामी करते थे। उनसे पाई हुई बख्शीश को इकट्ठा करके इस अपार्टमेंट को बनवाया था। इसके बनते ही भगवान ने अपने अपार्टमेंट में बुला लिया। इसे बेचता हूँ तो कोई खरीदता नहीं है, भाड़ा मांगने जाता हूँ तो कोई देता नहीं है। मुंबई से हूँ ना मैं, बंगाली बाबुओं ने मुझे फुटबॉल बना के रख दिया है, इसीलिए बंगाली भाषा में हर महीने भाड़ा मांगना पड़ता है। मुझे अगर रूम दोगे तो बिना भीख मांगे पहली तारीख को किराया मिल जाएगा। तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो फिर लेकिन कोई रूम भी तो खाली होना वाला रूम दे देते ना। अरे कौन सा रूम दे दूं मास्टर, हम दोनों मुंबई के हैं, आप भी मना करोगे तो मैं कहां जाऊंगा प्लीज। अरे बेटा मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे चले, वो चौथे मंजिल वाली ने पूरे 6 महीने हो गए भाड़ा नहीं दिया है, ना तो वो हमें भाड़ा दे रही है और ना ही खाली कर रही है। वो दे दे। हाँ ठीक है, एक कमरा मिल सकता है लेकिन उस कमरे को खाली करवा के लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके 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 है तो 1000 रुपए एडवांस में तो दो, जल्दी निकालो। मुर्गा फंस गया। ये रखो एडवांस, अब ठीक है। कमरा कहाँ है? सामने है। थैंक यू। गुरु एक नए पेशेंट को लाए हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। गुरु कहाँ है पेशेंट? उस तरफ है। हाँ, चलो चलो। पेशेंट यही है क्या? हाँ गुरु। बॉडी से कपड़ा हटाओ। स्टार्ट करो। ये ऑपरेशन ग्रैंड सक्सेस। चलो अब चाय मंगवाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये सब पेशेंट हैं। इन्हें जीवन दान देने वाले डॉक्टर तुम हो। अच्छा जो कर लेते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो यकीन हो गया कि इनमें भी जान होती है। अब बेकार के जोक छोड़कर मुद्दे पर आओ। देखो रामकृष्ण, मैं जितनी बार भी रिश्ते लेकर आया तुमने मना कर दिए। इस बार मैं डबल ओके और ट्रिपल ओके वाला रिश्ता लेकर आया हूँ। जरा देख लो, ये लो। गुरु चाय। क्या हो गया? कौन सी फोटो दे दी मैंने भी? इस बार लड़की जो दिखा रहा हूँ तुमको वो कमाल की है, पूरी फैमिली टाइप की लड़की है। फैमिली टाइप यानी? कहीं वो जबान फिसल गई। मैं कह रहा था कि बड़ी खानदानी लड़की है ये।
बेटा इसे देखना, कौन चाहिए? दहेज की बात मैं कर लूंगा ना। सचमुच? हाँ। अच्छा वैसे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक अच्छा इंसान। अच्छा हाँ। इधर आओ गुरु, ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? चल।